तो दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम खेलने जा रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 23, जो हम पहले खेलते थे फार्मिंग सिमुलेटर 22, उससे तो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक है जो हमारा अच्छा कर दिया गया है। और यहाँ पे ये दो मुर्गे हैं ये भी ऐड कर दिए गए हैं। ये देखो ये जो ब्लैक वाला है ये मुर्गा है, थोड़ा रेडिश ब्राउन सा कुछ ऐसे, और वाइट वाली मुर्गी है। और जो हमारा ये मौसम है दोस्तों आज का काफ़ी अच्छा हो रहा है, उसकी ग्राफिक बहुत अच्छी कर दी है। और ये हमारा कुछ ऐसा फार्म है, और जो ये हमारा साइड में यहाँ पे हार्वेस्टर खड़ा हुआ है वो, और एक और ट्रैक्टर इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। पहले दो ही थे, अभी इसके अंदर तीन हैं। और ये हमारे दो ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हैं, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। ट्रैक्टर को देखते हैं, ये जो ट्रैक्टर हमारा मेसी का, दोनों ही मेसी के, और इसके पीछे अटैच है दो ये ट्रॉली है। ट्रॉली भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी कर दी है पहले से ज़्यादा। और ये हमारा दूसरा ट्रैक्टर है जो इसी का मतलब एक तरीके से अपर मॉडल है, वो खड़ा हुआ है। इसके पीछे कल्टीवेटर अटैच है, ये देखो लग रहे हैं ना दोनों अच्छे। दोनों ये मेसी के ही हैं, जो मेसी कंपनी है ट्रैक्टरों की बड़ी, उसके हैं। और ये जो हमारा फार्म है, और ये जो हमारे खेत हैं यहाँ पर जो आगे साइड में है। तो चलो हमारा जो तीसरा ट्रैक्टर है वो अभी यहाँ पे खेत के अंदर खड़ा हुआ है, ये रहा। तो हमारे इस ट्रैक्टर को देखो लग रहा है ना अच्छा। ये है हमारा कौन सा है, जॉन डियर का है ये ट्रैक्टर, बड़ा अच्छा लगा दोस्तों मेरे को, जॉन डियर का है। और यहाँ पे जो लाइट है इसकी, LED वगैरह, ये भी एकदम लाइन से लगी हुई है। ये देखो ये ट्रैक्टर भी मस्त है ना अच्छा। इसके अंदर अभी बैठते हैं, और ये जो खेत के अंदर पहले की जो कटी हुई फसल है इनको अभी हटाते हैं अपन, और यहाँ पे जो नई फसल है अपनी वो लगाएंगे। तो चलो अभी ट्रैक्टर को उसके जगह पे लगा देते हैं, और अपन जो ये जो हमारी फसल है इसको काटना चालू करते हैं। तो अभी हम जल्दी से इसको लगा देते हैं। और अभी हमारा जो ये ट्रैक्टर है यहाँ पे लग चुका है, और अभी जो हमारी ये पहले की जो बची हुई है इसको काटना चालू करते हैं। और जो हमारे ट्रैक्टर ने है इसको काटना चालू कर दिया है। ये देखो ये जो पुरानी फसल है इसको ज़मीन से निकालना चालू कर दिया है, और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये देखो। और ये जो हमारा खेत भी है ये दोस्तों इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमें कोई दूसरी ज़मीन है, दूसरा खेत है वो लेना पड़ेगा जल्द ही। जो हमारा खेत है वो भी हम जल्दी ख़रीद लेंगे, टेंशन मत करो दोस्तों। अभी तो ये जो हमारा खेत है इसको सही करते हैं, इसमें जो पुरानी फसल है इसको निकालते हैं पहले। और ये ट्रैक्टर देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये इसके ऐसी वगैरह कंट्रोल है, और इसका स्टीयरिंग है अंदर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसका जो अंदर से बाहर का व्यूइंग पॉइंट है वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब एक तरीके से अच्छे से दिखता है अंदर से। ये है काफ़ी अच्छा लग रहा है ट्रैक्टर तो हमारा। और ये मैक्स है जो दोस्तों काम करता है तब 15 की स्पीड से चलता, और जब नॉर्मली चलता है काम नहीं करता तब ये 30-35 कुछ इस स्पीड से चल लेता है आराम से। ये देखो काफ़ी जो इसके ग्राफिक भी बहुत अच्छे करें, ये देखो जो इसमें ये जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उड़ रही ना, ये पहले वाले गेम वीडियो में देखना दोस्तों उसमें नहीं थी, अभी इसमें ये भी कर दिया गया है ये देखो। और दोस्तों आपसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस गेम के अंदर एक ही दिक्कत है, ये कई बार मोबाइल के अंदर है ना नहीं चल पाता, जैसे अभी चल रहा है और मैं इसको अभी दूसरी टाइम चलाऊँगा सेकंड टाइम तो नहीं चलेगा, लैग करता है बहुत, एक ही जगह पे अटक जाता है फिर आगे नहीं चलता ये। तो ये दिक्कत आती है इसके अंदर, कभी कभी चल जाता है कभी कभी नहीं चलता, जैसे इसके मूड पर डिपेंड है, ऐसे रहता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों इस ट्रैक्टर को अपना काम करने देते हैं, और अपन यहाँ से चलते हैं, अपन इस जो ये वर्ल्ड है इसको एक्सप्लोर करते हैं कैसा है, जो हमारे पूरे खेत वगैरह फार्म है इसको पूरा देखते हैं कैसा है। तो चलो हमारे उस जो मेसी है हमारा जो लाल वाला ट्रैक्टर है उसके पास चलते हैं, वहाँ से उसको लेते हैं, और फिर यहाँ से इसको घूमने चलते हैं, ये जो हमारा गाँव है इसको घूमने चलते हैं फिर। तो अभी हम यहाँ पर आ गएंगे, जो हमारा हार्वेस्टर है ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और अभी हम आ गए ये ट्रैक्टर के पास, और अभी इनमें से कौन सा चलाए, अभी मेरे हिसाब से जहाँ तक अपन इस वाले को चलाते हैं, नहीं इसको नहीं चलाएंगे,
अपन इस वाले को चलाते हैं अभी, एक काम करते हैं, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, इसके पीछे ट्रॉली भी अटैच है, तो इस वाले को चलाते हैं अपन अभी, है ना। तो चलो मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ, फिर इसको ड्राइव करते हैं। और जो इसकी ट्रॉली है और ये भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, चलो इसको गैराज से अपने बाहर निकालते हैं, इसको फिर लेके चलते हैं। ये देखो लग रहा है ना दोस्तों, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है अपना। अगर वीडियो ये दोस्तों आपको पसंद आ रही है, अच्छी लगती है, तो इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी हम इस ट्रैक्टर को लेके चलते हैं, जो हमारा विलेज है इसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये भी देखो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर से, ये वैसे नॉर्मल जैसे उसमें कंट्रोल तो उसी तरीके के जैसे ऊपर एसी के कंट्रोल, पर इसमें एक चीज़ अच्छी, ये थोड़ा ऐसे लगता है जैसे अपन बहुत ज़्यादा हाइट पर बैठे, उसके अंदर नहीं लगता इतना है। इसमें देखो लग रहा है ना अपन हाइट पर बैठे, एकदम एकदम सबसे ऊँचा ऐसे लगता है अपन ही राजा है इस रोड के, ऐसे लगता है। और हमें दोस्तों रोड क्रॉस करने से पहले हमेशा दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह ऊपर नीचे देख लेना चाहिए, ताकि अपना एक्सीडेंट नहीं हो। तो चलो चलते अपन इस तरफ चलते हैं। अरे देखो अभी बच गया थोड़ा समय, और अभी अपन चलते हैं। और ये जो रास्ता है दोस्तों पहाड़ों की तरफ जा रहा है, तो चलो इसको आगे तक देख के आते हैं कैसा लगता है। तो अभी हम चल रहे हैं दोस्तों, ये रात भी होने को आ गई है अपनी, तो अभी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पर थोड़ा सा पास में आगे जाकर आ जाएंगे। जो इसमें दोस्तों रोड की ग्राफिक वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी कर दी है। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्दी किसी नए वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।